हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। करूंगी ये टेस्टी और क्रिस्पी कटलेट की रेसिपी, तो वीडियो के आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ पत्ता गोभी और आलू का कटलेट। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक तो जरूर करिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी लिया है जिसे मैंने अच्छे से धुल के काट लिया है। यहाँ पे मैंने 6 आलू लिए हैं जिसे हमने छील के धुल लिया है। आधा कटोरी मटर। चलिए अब पत्ता गोभी आलू कटलेट बनाना शुरू करते हैं। गैस पे एक कुकर चढ़ाएंगे, उसपे हम लोग आलू और पत्ता गोभी डालेंगे और इसी के साथ मटर भी। अब हम लोग कुकर का ढक्कन लगा लेंगे, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। गैस का फ्लेम हाई रहेगा और अब हम लोग कुकर में 3 से 4 सीटी लगा लेते हैं। 3 से 4 सीटी हो गई है, गैस फ्लेम ऑफ करेंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो गया है, हम लोग कुकर का ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आलू, पत्ता गोभी और मटर उबल चुकी है। अब हम लोग इसका पानी निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। हमने उबली सब्जियों का पानी निकाल लिया है, अब हम लोग इसको ठंडा होने देंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी सब्जियां ठंडी हो गई हैं। अब मैं आपको इसमें पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। 4 से 5 हरे मिर्च, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। स्वाद अनुसार नमक। 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला। 2 बड़ा साइज प्याज जिसे हमने चॉप कर लिया है। 1/2 कटोरी सूजी। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। 2 ब्रेड क्रम्स, इसे हमने मिक्सर में पीस लिया है। सबसे पहले हम लोग लहसुन अदरक डालेंगे, हरी मिर्च, प्याज, सूजी, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से और अच्छे से मैश भी कर लेंगे। तो हमने पत्ता गोभी और आलू मसाला तैयार कर लिया है और अच्छे से मैश भी कर लिया है। अब चलिए हम लोग कटलेट फ्राई करते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ा लेंगे, गैस फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब हम लोग उसमें तेल डालेंगे। हम यहाँ पे रिफाइन ऑयल का यूज कर रहे हैं। तेल की क्वांटिटी ज्यादा रखना है क्योंकि हमें कटलेट फ्राई करना है। अब हम लोग तेल को गर्म होने देंगे। अगर आपका कटलेट मसाला गीला लग रहा है तो आप इसमें बेसन या फिर कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं, 6 से 7 चम्मच। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम लोग थोड़ा सा कटलेट मसाला लेंगे। इसे आप कोई शेप दे सकते हैं। के ऊपर हम लोग ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। कॉर्नफ्लावर हमने इसमें ऐड किया है। गैस का फ्लेम लो मीडियम करेंगे और आराम से इसमें हम लोग कटलेट डालेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक तेल में ही रहने देंगे, इसको पलटेंगे नहीं। अगर आप तुरंत पलटेंगे तो आपका कटलेट टूट जाएगा। 2 से 3 मिनट हो गया है, अब हम लोग कटलेट पलटेंगे। अलट पलट के हमें कटलेट को गोल्डन ब्राउन करना है लो मीडियम फ्लेम पे। हमारा कटलेट दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कटलेट कितने अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। ऐसे ही हम लोग और कटलेट्स भी तैयार कर लेते हैं। पत्ता गोभी आलू कटलेट हमने फ्राई कर लिया है, अब हम लोग आपको सर्व करके दिखाते हैं। हमारा टेस्टी क्रिस्पी पत्ता गोभी आलू कटलेट बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है और क्रिस्पी भी कितना ज्यादा देखने से ही लग रहा है। मैं तो इसको एंजॉय करूंगी टमाटो सॉस के साथ। आपका जो भी फेवरेट सॉस है उसके साथ जरूर एंजॉय कीजिए ये टेस्टी पत्ता गोभी और आलू कटलेट।
और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। बनाने में भी आसान है तो एक बार ज़रूर बना के देखिए। अगर आपको हमारी आज की ये टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।